मजबूत हो। ईश्वर से हम तो राम जी से ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। और आपके हाथ में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वर्ष तो बहुत कुछ है, इस वर्ष तो बहुत कुछ है। एक ऐसा नायक आप राष्ट्र को दे सकते हो जिसके बल पर पाकिस्तान और चाइना कांप जाए। एक ऐसा नायक दे सकते हो आप, ये आपके हाथ में है। आप कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तब सोते हैं और बाद में फिर रोते हैं। बस यही काम करते आए हैं। अब आओ, जब करने की बारी आए तो हम कर सकते हैं। हम चाणक्य बन करके किसी चंद्रगुप्त को बिठा सकते हैं इस भारत की सत्ता पर, और समस्त नंद वंशों का नाश करा सकते हैं, ऐसा राज्य दे सकते हैं। हम और आप, एक एक प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ऐसे लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं है जैसे एक नेताजी किसी गांव में वोट मांगने गए तो वोट मांगते समय इन्होंने कहा कि देखो तुम मुझे वोट दो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बिजली नहीं है तो बिजली दूंगा, पानी नहीं है पानी दूंगा, लाइट नहीं है कुछ भी, सड़क खराब है, जो कुछ भी है मैं सब दूंगा, तुम तो मुझे वोट दो। और फ्री का मिल जाए तो लोग तो तैयार बैठे रहते हैं। उसने कहा कि तुम बताओ तो सही, सब व्यवस्थाएं दूंगा, बस तुम तो मुझे एक ही काम करो, वोट दो। तो लोगों ने कहा, बड़े गरीब से लोग थे, गांव के लोग थे, सामान्य से लोग थे, कि देखो नेताजी हमारे पास वैसे तो सब कुछ है, जैसा भी है, लाइट सड़क पानी जैसा है अच्छा है, हमारे यहाँ की शमशान भूमि थोड़ी छोटी पड़ गई है, इसलिए शमशान भूमि को थोड़ा बड़ा करवा दो, बस इतनी कृपा करो। अब नेताजी को ये पता ही नहीं है कि शमशान भूमि होती क्या है, पता ही नहीं। कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको भारत की परंपरा संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, भारत क्या है उनको पता ही नहीं है। अब नेताजी को पता नहीं कि शमशान भूमि होती क्या है, लेकिन अब नेता तो नेता, अब ना भी नहीं कर सकते कि भाई मैं नहीं जानता। अब यूं कहूं कि नहीं जानता तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और यूं कहूं कि कर दूंगा तो मुझे पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो एक आदत होती है थोड़ा नेताओं की कि कुछ काम करें ना करें पर ना कुछ नहीं करते, और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा बोलना। तब इनको ध्यान आया कि मैं वोट मांगने आया हूं, बहुत से लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। अरे बहुत से लोग तो माताओं साड़ी लेकर आएंगे आपके पास और आते हैं कि मैं बिल्कुल कृष्ण कन्हैया हूं, हे द्रौपदी तुम मेरी बहन हो, चीर बढ़ाने आया हूं। पर एक बात याद रखना, अपने स्वार्थ में लोभ में आकर के आपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की, और स्वार्थ में आपने वो साड़ी ले ली और बदले में साड़ी के वो वोट दे दिया, तो यही जो आज कृष्ण कन्हैया बनकर के आए वो 5 साल तक दुशासन बनकर चीर खींचते रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो नेताजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जो कहते हो मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता न करो, मुझे वोट दो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ, मुझे नेता बनाओ, मैं तो तुम्हारे घर घर को शमशान भूमि बना दूंगा। अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दोगे तो क्या होगा, इसलिए सच बता रही हूं, ये बात मात्र हंसने की नहीं है।